तो बेसिकली जो है इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो थ्री गोल्डन रूल है अकाउंट का, वो हम लोग इसमें क्या समझने की कोशिश करेंगे। वैसे ये थोड़ा सा पेचीदा होता है, अकाउंटिंग का लैंग्वेज है तो हर किसी को जल्दी समझ में आता नहीं है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। हम जो है इसको बारीकी बारीकी से आपको समझाएंगे एक एक एग्जाम्पल के द्वारा, ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने जो है देखिए कोई भी चीज़ जो है ना सीरियल वाइज देखेंगे ना तो अच्छा से समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि मैंने पीछे भी एक दो वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है, जिसमें आपको टैली क्या होता है, कब इसकी शुरुआत हुई और किसने की, क्योंकि बाकी अकाउंट अकाउंटिंग अकाउंटेंट ये सब क्या होता है, तो ये सब आप लोग को समझना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको पिछला वीडियो जो हमने अपलोड किया है वो जाकर देख लीजिए, आपको जो है समझ में आ जाएगा। अब बेसिकली चलिए इसको देख लेते हैं कि बेसिकली ये थ्री गोल्डन रूल आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो हम डेबिट और क्रेडिट रूल्स के लिए हमारा क्या होता है, मतलब अकाउंट में ये फॉलो होता है। अभी डेबिट क्रेडिट क्या होता है भाई, डेबिट मतलब जैसे मान लीजिए कि हम किसी को पैसा मतलब देते हैं तो एक मतलब क्या हुआ, मेरे पास से वो पैसा चला गया, यानी कि मेरे पास से क्या हो गया, डेबिट हो गया, और जिसके पास गया उसको क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई नेट बैंकिंग चलाता है तो पैसा ट्रांसफर करता है, ठीक है, अगर किसी अपने फ्रेंड के पास, जैसे यहाँ पे हम मान लीजिए कि एक पर्सन ए हो गया, ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड पर्सन हमारा बी हो गया, तो यहाँ पे क्या किया, ए ने जो है पैसा सेंड किया, ठीक है, या कुछ भी सेंड कर दिया, किसको, बी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस केस में ए देता है बी को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके पास से हमारा पैसा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और इसके पास क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि इससे जाएगा और इसके पास वो पैसा मतलब इससे मतलब खत्म हो जाएगा और इसके पास चला जाएगा, यानी कि यहाँ से डेबिट हुआ यहाँ से क्रेडिट हुआ। तो इसी को बेसिकली हम लोग को समझना है कि ये डेबिट क्रेडिट होता क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि अकाउंट तीन प्रकार का होता है, कौन कौन था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो उसका आपको डिफिनेशन बाकी जो भी होता है वो सब आपको बता दिया था। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं जाइए आप पिछला वीडियो देखिए, आपको जो है आसान मतलब अच्छा से पूरा समझ में आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट एंड क्रेडिट रूल मतलब क्या होता है, ये मतलब कैसे काम करता है। तो कह रहा है कि डेबिट द रिसीवर, यानी कि डीआर, और यहाँ पे हिंदी में अगर समझा जाए तो पाने वाले का नाम, और सेकेंड हो जाएगा क्रेडिट द गिवर, यानी कि देने वाले का नाम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीआर, देने वाले का जमा। जैसे यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा, चलिए यहाँ पे समझा देते हैं हमको। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने जो है ये हमारा पर्सन ए हो गए और ये हमारे पर्सन बी हो गए, यहाँ पे कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, ये हमारा ए पर्सन है और ये हमारा बी पर्सन है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये पर्सन जो है, जो ये पर्सन है, इसने अपने मित्र बी, मान लीजिए ये इसका मित्र है, अपने मित्र बी से कुछ पैसे जो है क्या करते हैं, लेते हैं, पहले क्या किए, पैसे ये लेते हैं। ठीक है, अपना जो भी काम हो, बिजनेस करना हो या कुछ भी काम हो, फिर क्या करता है, इनकी लाइबिलिटीज बनती है, लाइबिलिटीज भी आपको बताया था कि इनकी लाइबिलिटीज बनती है, उस पैसे को क्या करना, इस बी को पे करना। ठीक है, यानी कि फिर दोबारा ये पैसा क्या करेंगे, इसको देंगे। तो यहाँ पे आपको दो कंडीशन हो गया, यानी कि मान लीजिए कि यह अभी कर्जदार है, जो कर्ज लिए हुए हैं, और ये लेनदार है। ठीक है, तो ये देनदार हो गया, ये लेनदार हो गया, यानी कि ये भी सन्डे क्रेडिटर सन्डे डेबिटर, ये भी आपको बताया है। ठीक है, तो ये अभी क्या है, देनदार है और ये लेनदार है, तो ये पैसा देंगे, किसको देंगे, भाई बी को देंगे। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है पैसा लिए हैं तो वो देंगे किसको, बी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे डेबिटर्स। ठीक है, यानी कि देने वाले, और ये हो जाएंगे क्रेडिटर्स, इनके पास पैसा आ रहा है, यानी कि ले रहे हैं। सेम लाइक वहाँ पे भी सेम ऐसे ही है कि जो हमको क्या करते हैं, जिसको हम पैसा सेंड करते, इतना याद रखिए, बस ये सब इतना झमेला याद रखने की बात नहीं है, जिसको हम पैसा सेंड करते हैं यानी कि देते हैं, अगर हमारे पास पैसा जा रहा है तो हम हो गए डेबिटर, और जो पैसा ले रहा है वो
क्रेडिटर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइक यहाँ पे चलिए नेक्स्ट वही है आपको रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट वार्ड्स कम इन डीआर, यानी कि सभी आने वाली संपत्ति डीआर हो जाएगी, सभी जाने वाली संपत्ति को, ठीक है। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, यानी कि जितना भी संपत्ति हमारे पास आ रही है वो हमारी डीआर हो जाएगी और जो जा रही है वो क्या हो जाएगी, सीआर हो जाएगी। सेम लाइक उस तरह हो जाएगा, यानी कि जो भी संपत्ति हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये जैसे मान लीजिए कि अभी आपको बताते हैं, यहाँ से हम कोई संपत्ति ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारी संपत्ति क्या हुई है, आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, डीआर हो जाएगी, क्योंकि ये आ रही है यहाँ पे बी के पास, तो फिर ये क्या करेगा, उसको कुछ ना कुछ देगा या उस संपत्ति को भी देगा, तो ये क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हकदार हो गया, लेनदार हो गया। नेक्स्ट लाइक यहाँ पे सेम उस तरह नॉमिनल अकाउंट का भी है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, डीआर हो जाएगा, यानी कि सभी जितना भी खर्च और लॉस होता है वो डीआर होता है। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जितना भी इनकम या प्राप्त होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, सीआर हो जाएगी। जैसे कि इसको भी समझ लेते हैं, ये क्या होता है, ये हमारा जो भी बिजनेसमैन हो गया या ओनर हो गया किसी भी शॉप या कुछ भी का, ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, जो भी पैसा हो या एक्सपेंस हो, ठीक है, तो जा रही है, यानी कि लॉस हो रही है, तो इसको क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए लॉस होने का मतलब वही हुआ आप पैसा इसको दे रहे हैं, ठीक है। जैसे पैसा लॉस होना मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे 1% हम बी रख लेते हैं, ठीक है, ऐसे पैसा देना यानी किसी ना किसी को दे देंगे, बी को देंगे, तो जैसे ये पैसा अगर दे रहा है यानी कि लॉस हो रहा है या एक्सपेंस खर्च भी कर रहे हैं, अगर बी पर खर्च कर रहा है तो क्या कर रहा है, इसके पास से पैसा खत्म हो रहा है, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, ये डीआर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पैसा आ रहा है इनकम, ठीक है, तो इस स्थिति में ये सीआर हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए हम बताते हैं, जैसे ये पर्सन है जो कि ओनर है, ठीक है, अगर इसको इनकम हो रहा है कहीं ना कहीं से, यहाँ पे इनकम हो रहा है, ठीक है, यानी कि पैसा आ रहा है, इनकम हो रहा है, गेन हो रहा है, तो आ रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सीआर हो जाएगा, और अगर पैसा इससे जा रहा है, हानि हो रहा है, डीआर हो जाएगा। बस सिंपल लैंग्वेज है, इसमें ज़्यादा आपको माथा लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस यही होता है सीआर डीआर अकाउंट 3 गोल्डन रूल, यानी कि जो इतना याद रखिए, जो हम पैसा हमारे पास अगर खर्च हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डीआर हो गए, ठीक है, यानी कि, और अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। तो डीआर का फुल फॉर्म होता है डेबिट रिकॉर्ड होता है, और सीआर का क्रेडिट रिकॉर्ड, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो आई होप कि आपको ये 3 गोल्डन रूल समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी समझ में कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।